नमस्कार, मैं हूँ शमी अहमद। आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टुडे। अपने एक दिवसीय दौरे पर खटीमा पहुँचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा की सुरई वन रेंज में क्रोकोडाइल सफारी और जंगल सफारी का किया लोकार्पण। साथ ही मुख्यमंत्री ने चंपावत जनपद के टनकपुर में स्थित मंदोर सफारी में गेट का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने खटीमा को पर्यटन के क्षेत्र में स्थापित करने क्षेत्र के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास बताया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सर सर, ये जंगल सफारी वाली राइड यहीं पे मौके पे बहुत अच्छी। आज इस सीमांत राज्य में क्रोकोडाइल सफारी यहाँ पर प्रारंभ हुई। इसके प्रारंभ होने से क्षेत्रवासियों को पर्यटन को बढ़ाने में यहाँ पर एक पूरी तरह से पर्यटन बढ़ेगा। इस क्षेत्र में लोगों के व्यापार बढ़ेगा और लोगों के मनोरंजन के साधन भी होंगे। बच्चों के लिए भी यहाँ पर व्यवसाय और करनी है। 100 से ज़्यादा अभी तक इसमें मगरमच्छ है और ठीक प्रकार से लोग यहाँ पर आए, ठीक प्रकार से पर्यटन का लाभ है। उसके लिए हमने कहा है कि जो भी और सुविधाएँ यहाँ पर बननी है, अच्छी सड़क बननी है, अच्छा यहाँ पर पार्क बनना है, बच्चों के मनोरंजन के साधन यहाँ पर जो है विकसित होने, उन सभी क्षेत्रों में हम लोग काम करेंगे और अच्छी व्यवस्थाएँ यहाँ पर बनाने का काम कर रहे हैं। और सीमांत क्षेत्र में इस प्रकार की चीज़ों को होने से निश्चित रूप से एक नया स्थान यहाँ पर मिलेगा और इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों इसके एक साथ दोनों को जो है लाभ मिलने वाला है, दोनों एक साथ बढ़ने वाले हैं। और मैं सभी क्षेत्रवासियों को इसके लिए आज शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। साथ में हमारा टाइगर रिजर्व भी यहाँ पर है, उसको भी जो है क्योंकि क्रोकोडाइल सफारी के साथ साथ उस क्षेत्र में भी जो है लोगों का ध्यान रहा है। खेल मैदान का भी नाला हमारा जो क्रोकोडाइल इको टूरिज्म सेंटर है उसका इनॉग्रेशन किया है। दूसरा ये हमने सुरई के जंगलों में जो हमारा ये टाइगर सफारी है उसका एक इनॉग्रेशन कर दिया है। और तीसरा नंदौर हमारा वन्यजीव अभयारण्य है, उसका जो गेट है पूर्णागिरी के रोड पे जो आता है उसका इनॉग्रेशन हुआ है।